हेलो एवरीवन, एडी हियर एंड वेलकम बैक टू एडी गेमिंग। सो गाइस, आज ना आप लोगों को मैं सैनहॉक के जो दो मोस्ट अंडररेटेड लोकेशंस हैं उनके बारे में बताने लगा हूँ। उनमें से पहली लोकेशन जो है वो तो डॉक्स है। तो अंडररेटेड से यार मेरा मुराद है कि यहाँ ना लोग वगैरह बहुत ही कम आते हैं और यहाँ लूट जो है उसके हिसाब से बहुत अच्छी मिल जाती है और यहाँ पूरे स्क्वाड की लूट आराम से मिल जाती है, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा ही होती है, लेकिन लोग यहाँ बहुत ही रेयरली आते हैं। सो यार वीडियो में चलते हैं। अब देखो, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, दो फर्स्ट एड किट्स मुझे मिल गई हैं, UMP, QBZ और QB एक पड़ी हुई है। बहुत ही अच्छी लूट है यार यहाँ पे, देख सकते हो। मेड किट, लेवल 2 हेलमेट भी मिल गया। और यहाँ पर ना दो शिप्स हैं और इन दो शिप्स में बहुत ज़्यादा मज़े की लूट होती है। तो ये पहले शिप में जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट एड मिल गई, दो पेन किलर्स पड़े हुए वो मिल गए, AKM पड़ी है, एमओ है, और ये मैंने गलती से QBZ के साथ AKM स्विच कर दी थी। कार्नेट मिल गई यार मुझे, देखो स्नाइपर भी एक पड़ी हुई है, और ये देखो लेवल 3 वेस्ट भी मिल गई है। गाइस बहुत लेवल की यार यहाँ लूट है, यहाँ ज़रूर आया करो, मज़ा आता है। एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मिल गया, तो यार ये पहला शिप हम लोगों ने लूट कर लिया। अब दूसरे शिप की तरफ जाते हैं, दूसरे शिप पर पहुंच के बात होती है फिर। तो यार ये मैं दूसरे शिप पर मैंने टेलीपोर्ट कर दिए अपने जादुई सॉफ्टवेयर से, और ये देखा एक और की बिजी पड़ी हुई है, एमओ पड़ा हुआ है, मोलोटोव मिल गया। इस शिप पर भी काफ़ी अच्छी लूट है यार, देखो लेवल 2 हेलमेट एक और है और बैक पैक एक पड़ा होता है। यहाँ फर्स्ट एड मुझे एक और मिल गई है। मेरे पास तो यार यहाँ पर पूरा मेडिकल स्टोर खुल चुका है वैसे फर्स्ट एड के हवाले से अगर बात की जाए तो। अब यार यहाँ जो थोड़े बहुत वेयर हाउसेज हैं ना उनमें भी देख लेते हैं क्योंकि जोन भी आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ वेयर हाउसेज की भी लूट वगैरह दिखा देता हूँ। तो यार ये पहले वेयर हाउस में एक वो देखो 6x मुझे मिल गया मज़े में, एक 2x पड़ा हुआ है, और ये भी पीछे एक और लेवल 3 बेस्ट थी जो मैं छोड़ कर आया हूँ आगे, एक और फर्स्ट एड भी मिल गई है, और खैर से जोन भी आ चुका है। तो यार अब दूसरे वेयर हाउस की तरफ भी चलते हैं, ज़रा ये एक पेन किलर लगा लूँ ताकि थोड़ा बूस्टर वगैरह सही हो जाए। और दूसरा वेयर हाउस भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्या मिलता है। तो ये दूसरे वेयर हाउस के मैं लूट देख रहा हूँ, कॉल लेवल 2 का बैग पड़ा हुआ है, चला उम्मीद है यार मेरा दिल कह रहा है लेवल 3 का बैग मिल गया है, और ये पीछे से फायरिंग पता नहीं कौन कर रहा है, और ये एक M7 भी पड़ी हुई है। तो यार हम अगली लोकेशन पर जा रहे हैं, और ये एक बंदा मेरे पर फायरिंग कर रहा था M16 से, और ये पता नहीं मेरी क्यों भी पहले 6x को ऑप्शन लगा हुआ और बहुत कुत्ता वाला डैमेज दे रहा है। तो भाई ने सोचा इससे अपना पंगा ख़त्म करें, और हम एक्चुअली ना अब केव्स जा रहे हैं, तो देखते हैं केव्स में हमें क्या काम की चीज़ मिलती है। तो चलो केव पहुँचते हैं और इसको लूट लें। यार ये मैंने यहाँ से जा रहा था तो बहुत बुरा मेरे पास फायरिंग आ रही थी, तो पहले जोन की वजह से बंदा भी नहीं समझ आ रहा बंदा कहाँ है, और ये नज़र आ गया था मुझे, मैंने सोचा इसको कार ने प्यारा सा हेड छोड़ दी।
और वो एक क्या। इसके बाद फिर भाई ने इसकी पिट में हेडशॉट मारा। अब केस चलती है, वहाँ चल के बात होती है केस की भी लूट देखें कैसी है। यार केस के ऊपर वाले जगह पे पहुँच गए हैं तो यहाँ ना केस पे तीन मोरियाँ हैं। जो छोटी वाली दो मोरियाँ हैं ना वहाँ से अंदर जाने का रास्ता, ऊपर वाली जो है वहाँ से अगर आपने जाना तो अंदर आपको जंप करनी पड़ेगी, जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। तो केस के अंदर हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ हमें कैसी आला दर्जे की लूट मिलती है। तो यहाँ दो वोटर स्कीस खड़ी हुई हैं और ये देखो अंदर आते साथ लेवल टू हेलमेट, दो फर्स्ट एड किट्स जो तो मैं उठाऊँगा, और ये फिर बंदा ये बॉट लिया यहाँ पे मुझक नहीं आया। मुझे मैंने कहा पहले हील लगा लूँ और नज़र आ गया था ऐसा मुझे बंदा, लेकिन फिर मैंने उसको इग्नोर किया क्योंकि वो मुझे फायर नहीं कर रहा। यार ऊपर भी यहाँ से ना ऊपर जगह है जाने की, देखो एक पेन किलर पड़ा है, एनर्जी ड्रिंक है। और ये डैमेज देना शुरू हो गया मुझे, दोबारा नहीं मुझे नज़र आ रहा। फाइन तो ये फाइनली नज़र आ गया और ये क्यूबी से मुंह पे हेडशॉट्स मार के इसका किस्सा तमाम। और अब मैं बाकी लूट आप लोगों को दिखाऊं और फिर यहाँ से जोन में चलते हैं। इससे पहले एक पोस्टर और लगा लूँ। यार यहाँ जो है ना ये ऊपर जो आपके पास ये स्टेयर किस्सा बना हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली सीन है कि अगर कोई बंदा आप रश वगैरह करे इधर आप छुप के उसके वो कैंप कर सकते हो। और ये एक एस एल आर मुझे मिल रही थी जो कि मैंने नहीं उठाई क्योंकि कार नहीं थी अच्छी मेरे पास। और अब यहाँ से मैं आपको निकलने का एक चोरों का रास्ता बताता हूँ सीक्रेट पास के, क्योंकि बड़ा मज़े का है एक्चुअली। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि डाइव मैंने शक्ल में लगा ली थी लेकिन पकड़ना ही वाटर स्की और यहाँ से बाहर जाना है। और ये देखो ये एक और बंदा मरा है मेरी आंखों के सामने मरा है, बड़ा मुझे दुख हुआ था क्योंकि इसकी किल मुझे मिल सकती थी और मुझे नहीं मिली। तो यहाँ से आप सीधा यहाँ बाहर निकलोगे। यार बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।